2014 में उस अडानी की संपत्ति थी 39,000 करोड़ रुपए, 2018 में उस अडानी की संपत्ति हुई 57,000 करोड़ रुपए, 2020 में उस अडानी की संपत्ति हुई 2,50,000 करोड़ रुपए और 2022 में उस अडानी की संपत्ति हो गई 10,00,000 करोड़ रुपए। कितनी हो गई? 10,00,000 करोड़ रुपए। नौजवान नौकरी न मिलने के कारण अपनी जान दे रहा है और हिंदुस्तान के एक व्यक्ति के पास 10,00,000 करोड़ रुपए है। कहा जा रहा है 2,50,000 करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा उसके ऊपर है, दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बन गया। अरे भाई, हमारे किसी नौजवान को जो यहाँ बैठा है MIT वाला, उसको 2,50,000 करोड़ का कर्जा दे दो, वो भी अडानी से अमीर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अभी तो एक तस्वीर आई थी ललित मोदी की, जो 3,000 करोड़ लूटकर विदेशों में बैठा है, उसकी फोटो सुष्मिता सेन के साथ आई। मैंने भारत की सरकार से कहा कि तुम ललित मोदी को नहीं खोज पा रहे हो, सुष्मिता सेन से मदद ले लो, वो बता देगी ललित मोदी कहाँ है, वो बता देगी ललित मोदी कहाँ है। नौजवान साथियों, बेरोजगारी के कारण दर दर की ठोकरें खाते रहना, अगर नौकरी मांगोगे तो आपको लाठियों से पिटवाया जाएगा, आपकी पीठ लाल कर दी जाएगी। नौकरी मत मांगना लेकिन वोट एक ही पार्टी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। कर्ज के बोझ के तले भले ही आत्महत्या कर लेना लेकिन वोट एक ही पार्टी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। चील कौवे कुत्ते तुम्हारी लाशों को नोचते रहें लेकिन मरते मरते एक ही बात कह के जाना, वोट एक ही पार्टी को देना क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। ये मुसलमानों को ठीक करते करते पूरे देश का बंटाधार कर दिया, इससे हमें सावधान रहना होगा। चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश तरक्की नहीं कर सकता, साथियों याद रखना। नौजवान नौकरी मांगता है, सरकार कहती है पैसा नहीं है। शिक्षा मांगता है, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अस्पताल मांगता है, सरकार कहती है पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहाँ? ये पैसा गया विजय माल्या के पास, जो 9,000 करोड़ लूट के भाग जाता है। ये पैसा गया ललित मोदी के पास, जो 3,000 करोड़ लूट के भाग जाता है। ये पैसा गया नीरव मोदी के पास, जो 20,000 करोड़ लूट के भाग जाता है। और अभी तो एक तस्वीर आई थी ललित मोदी की, जो 3,000 करोड़ लूट कर विदेशों में बैठा है, उसकी फोटो सुष्मिता सेन के साथ आई। मैंने भारत की सरकार से कहा कि तुम ललित मोदी को नहीं खोज पा रहे हो, सुष्मिता सेन से मदद ले लो, वो बता देगी ललित मोदी कहाँ है, वो बता देगी ललित मोदी कहाँ है। नौजवान साथियों, पता नहीं आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, लेकिन एक बार भारत का बजट जरूर पढ़ना। देश के युवाओं के लिए जो खेल का बजट रखा गया है, वो बजट रखा गया है 3,000 करोड़ रुपए, यानी कि जितना पैसा अकेले ललित मोदी लेके भाग जाता है उतना पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए खेल का बजट है, जिसका 3 गुना पैसा विजय माल्या लेके भाग जाता है उतना पैसा भारत का खेल बजट है, जिसका 7 गुना पैसा नीरव मोदी लेके भाग जाता है उतना हिंदुस्तान का खेल का बजट है। क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्या आपके मन में नाराजगी नहीं होती? हिंदुस्तान के एक व्यापारी का नाम यहाँ लिया गया, 2014 में उस अडानी की संपत्ति थी 39,000 करोड़ रुपए, 2018 में उस अडानी की संपत्ति हुई 57,000 करोड़ रुपए, 2020 में उस अडानी की संपत्ति हुई 2,50,000 करोड़ रुपए और 2022 में उस अडानी की संपत्ति हो गई 10,00,000 करोड़ रुपए। कितनी हो गई? 10,00,000 करोड़ रुपए। नौजवान नौकरी न मिलने के कारण अपनी जान दे रहा है और हिंदुस्तान के एक व्यक्ति के पास 10,00,000 करोड़ रुपए है। कहा जा रहा है 2,50,000 करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा उसके ऊपर है, दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बन गया। अरे भाई, हमारे किसी नौजवान को जो यहाँ बैठा है MIT वाला, उसको 2,50,000 करोड़ का कर्जा दे दो, वो भी अडानी से अमीर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?